प्यारे बच्चों आइए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, वो हम लोग पढ़े थे अपवर्तनांक के बारे में। उसके पिछले हम लोग अपवर्तन के बारे में पढ़े कि अपवर्तन क्या होता है। फिर हम लोग पढ़े अपवर्तनांक के बारे में कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आज पढ़ते हैं जिसका नाम है लेंस। इस बार हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये लेंस क्या है। तो टॉपिक दिया जाए लेंस। पहले बच्चों जैसे कि अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब हम लोग समझते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन लेंस क्या है? तो लेंस भी एक अपवर्तन के सिद्धांत पर ही आधारित है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि लेंस क्या है। तो लेंस के नीचे फर्स्ट एरो देकर कुछ लिख लीजिए, बात लिखा जाए, फिर हम लोग समझते हैं। तो लेंस में लिखा जाए, फर्स्ट एरो देकर, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है लेंस कहलाता है। चलिए फिर नेक्स्ट आर देंगे, सेकेंड आर लिखा जाए, लेंस का कम से कम एक सतह गोलीय होता है। थर्ड एरो लिखेंगे, लेंस के दो प्रकार होते हैं। पहला, उसी के नीचे लिखेगा, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। दूसरा का नाम है अवतल लेंस। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। किसको? उत्तल लेंस को। और इसको बोला जाता है अपसारी। तो ब्रैकेट में अवतल लेंस का ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अपसारी और इसको लिख लीजिएगा अभिसारी। ठीक है, फिर हम लोग समझते हैं कि आखिर लेंस किसको कहते हैं, क्या लेंस क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आपको जानना चाहिए कि लेंस वह पदार्थ है जो पारदर्शी होता है। ये सबसे पहला पॉइंट, यानी कि वह पारदर्शी माध्यम, यानी कि यहां पे पारदर्शी का होना जरूरी है। पारदर्शी का मतलब क्या? आर पार दिख सके। अब जो पारदर्शी ही नहीं होगा वो लेंस कहां से कहलाएगा? जैसे ये मेरा ग्लास है, तो ग्लास देखिए, ये ग्लास क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है, क्योंकि इससे जो है प्रकाश किरण आर पार हो सकती है। ठीक है, यानी कि जब कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक सतह गोलीय होता है, एक सतह गोलीय या पृष्ठीय, एक पृष्ठ जो है गोलीय होता है। अब गोलीय का मतलब, कभी आप लेंस के कोई भी शीशा का, कभी चश्मा के शीशे को छुइए तो पता चलेगा कि बीच में पतला, किनारे में मोटा, या बीच में मोटा किनारे में पतला अक्सर होता है। यानी कि प्लेन कभी नहीं होता है कोई लेंस। उसके पीछे कारण है, क्योंकि उसका पृष्ठ जो है वो गोलीय होता है। ये वाला चश्मा भी है, या घर में आपके जितने भी यूज करते होंगे चश्मा, उनका आप छुइएगा सरफेस तो पता चलेगा कि बीच में पतला है और किनारे में मोटा है, या फिर किनारे में हो सकता है कि मोटा होगा और बीच में पतला हो सकता है। तो हम लोग पहचान कर सकते हैं कि कौन उत्तल है और कौन अवतल है। तो सबसे पहले लेंस वह पदार्थ होता है, वह पारदर्शी माध्यम होता है जिसका एक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, यानी कि गोलीय, उसका सरफेस जो है गोलीय होता है, उसको हम लोग लेंस कहते हैं।
और लेंस का कोई एक गो सतह पक्का से पक्का गोलीय होता है और लेंस लेंस टोटली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक का नाम है उत्तल लेंस और दूसरा का नाम है अवतल लेंस। ठीक है, अब उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस के भी नाम से जाना जाता है। तो अगर कोई पूछे कि अभिसारी लेंस क्या है तो आप बिल्कुल कन्वर्ट डाइवर्ट नहीं होइएगा, ये नहीं सोचिए कि हम तो पढ़े ही नहीं है लेंस के बारे में, लेंस में कि अभिसारी लेंस भी होता है। तो जी हाँ, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग आइए डीपली नॉलेज देखते हैं कि किसको हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस और किसको बोलेंगे उत्तल लेंस, या फिर बोले कि किसको हम लोग अभिसारी लेंस बोलेंगे या फिर किसको अपसारी लेंस कहेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अब टॉपिक बनाया जाए उत्तल लेंस के बारे में। तो टॉपिक बनाएंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस सबसे पहला एरो देंगे, लिखेंगे वह लेंस जिसमें, फर्स्ट एरो देकर यहां से, वह लेंस जिसमें किनारे का भाग या सतह, जिसमें किनारे का भाग या सतह पतला हो और बीच का भाग अपेक्षाकृत मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। अपेक्षाकृत मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। अब फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे उत्तल लेंस का नेक्स्ट एरो, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए अब जरा उत्तल लेंस के बारे में हम लोग पढ़े। सबसे पहले इसको फिगर से देखकर पता करेंगे हम लोग कि क्या होता है उत्तल लेंस। सबसे पहले आपको अगर पहचानना होगा कि उत्तल लेंस क्या होगा तो सबसे पहले आप उत्तल लेंस के बारे में जानिए। हम लोग ये पढ़े कि वह लेंस जिसमें किनारे के भाग पतला होते हैं और बीच का सतह या बीच का भाग मोटा होता है उसको हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस। चलिए आइए हम लोग उत्तल लेंस का फिगर बनाते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो हम लोग फिगर बना रहे हैं उत्तल लेंस का, वो ये है उत्तल लेंस। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि बीच का भाग क्या है, मोटा है। ये बीच का भाग मोटा है और किनारे का भाग पतला है, हम इसको बोलते हैं कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यानी कि ऐसा कहीं भी अगर आपको दिख जाए तब हम इसको क्या बोल देंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे। ठीक है, यानी कि किनारे का भाग देख रहे हैं, किनारे का भाग मतलब किनारा, एक ये किनारा हुआ, एक ऊपर वाला किनारा हुआ। किनारा देख रहे पतला है और बीच भाग मोटा है, किनारे आते आते ये पतला हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक उत्तल लेंस का फिगर है। जैसा कि जानते हैं दर्पण में एक मुख्य अक्ष होता है, जी हाँ लेंस में भी एक मुख्य अक्ष होता है जो बिल्कुल इसके सेंटर से, लेंस के सेंटर से पास करता है और लेंस के सेंटर को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है। ठीक है, यानी कि लेंस का सेंटर से अगर कोई अक्ष पास करे वो हो गया लेंस का मुख्य अक्ष। ठीक है, अब जब हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर अगर किरणों को इस पर डालते हैं, यानी कि मतलब ये सब किरणें अगर डालते हैं, ये सब किरणें जाकर जा रही है इट मीन्स ऐसे। ठीक है, अगर ये सब किरणों को अगर हम डाल रहे हैं यहां पे, तो जैसे डाल रहे हैं तो ये होता क्या है ना कि यहां से मुड़ने के बाद एक सेंटर से पास करता है, देख पा रहे होंगे एक सेंटर से पास कर रहा है।
देख पा रहे होंगे एक सेंटर से पास कर रहा होगा और इसीलिए इसको उत्तल लेंस के बजाय इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी का मतलब होता है कि जब हम लोग प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं तो वो गुजरने के बाद सभी जो है एक ही पॉइंट पे जाकर मिलती है, ठीक है। तो जब एक ही यहां से बहुत सारा प्रकाश को हम दे रहे, देखिए ब्लू वाली लाइन जो है ना इसको हम लोग टॉर्च के माध्यम से प्रकाश दे रहे हैं और सभी टॉर्च जो है एक ही स्थान पर जाकर फोकसित होती है, तब हम उसको बोलते हैं अभिसारी। यानी अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदुओं पर किरणों को मिलाना। देखिए एक ऐसा बिंदु है जो सभी किरणों को क्या कर रहा है, एक जगह मिला रहा है, ठीक है। यानी कि अभिसारी का मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देती है तब हम उसको अभिसारी भी कहते हैं। तो नोट में आप फिगर के नीचे नोट में लिख भी सकते हैं कि अभिसारी का मतलब क्या है, तो नोट में हम लिखवाएंगे। फिलहाल अभी और समझाने दीजिए, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ब्लू वाले लाइन्स दिखा रहा है। ब्लू वाले लाइन्स दिखा रहा है कि हम लोग टॉर्च के लाइट को उत्तल लेंस पे दे रहे हैं तो उससे जो निकलने वाला प्रकाश किरणें हैं वो एक बिंदु पर जाके मिल रहा है और यही एक बिंदु पर जाके मिल रहा है तब वो हो जाता है अभिसारी और इसको हम लोग उत्तल लेंस कह देते हैं। प्यारे बच्चों आप कभी भी इसका इस्तेमाल किए भी होंगे, जैसे एग्जांपल हम देते हैं, कभी आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदे होंगे ना ज्योमेट्री बनाने के लिए मैथमेटिक्स में, तो उसमें एक लेंस देता है, देखे होंगे वो लेंस देता है और लेंस क्या है ना वो उत्तल लेंस है। कभी आप छू के देखिए तो किनारे किनारे का भाग पतला रहता है और बीच में मोटा रहता है, ठीक है। यानी कि वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और कभी आप पूरा गर्मी का दिन है, पूरा हाईली एकदम टेम्परेचर हाई है और आप धूप में ले जाइए उसको लेंस को और उसके नीचे कागज रख दीजिए और उसके ऊपर लेंस को रखिए, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में निकलता है ना वो उसको रखिए, हिलाना उलाना नहीं है, एक जगह पर रखना है स्थिर करके, और फिर आप देखेंगे कि धीरे 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 वो कागज जो है जलने भी लगता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें आ रही थी अलग 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 अलग, लेकिन वो लेंस क्या किया, सभी प्रकाश किरणों को एक ही जगह मुड़ दिया और एक ही पॉइंट पे पड़ गया और ये इतना ज्यादा यहाँ पे हीट हो गया सूर्य के प्रकाश से कि यहां से जलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अक्सर आप सुने होंगे कि उस लेंस से हम लोग कागज को भी जला सकते हैं, बशर्ते हाई टेम्परेचर होना चाहिए, पूरा दोपहर का टाइम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रोशनी आना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की किरणें आ रही थी अलग अलग, लेकिन उसको जैसे ही लेंस को रखे वो क्या कर दिया, उसके नीचे जो कागज रखा हुआ था कागज के एक ही पॉइंट पे सभी प्रकाश देखिए ये वाला भी इसी पॉइंट पे मुड़ रहा है, सब इसी पॉइंट पे मुड़ गया और फिर वो क्या हुआ, कागज जलने लगा। तो आप करिएगा क्या, उत्तल लेंस का फिगर बना लीजिएगा फ्रेश, अब उसके बाद नोट में करके लिखिएगा, जब प्रकाश की किरणों को लेंस से गुजरने के बाद एक ही बिंदु पर पाया जाता है वह अभिसारी कहलाता है। तो नोट में हम लोग सीखे कि अभिसारी का मतलब क्या है, कि अलग अलग जो प्रकाश की किरणें आ रही थी उसको एक जगह पे मिला देना वो कहलाता है अभिसारी। और अपसारी का मतलब होता है प्यारे बच्चों फैला देना, ठीक है। यानी कि हम दे रहे थे इतना से लाइट और लेंस के बाद और क्या हुआ, लाइट जो है फैल गया पूरा और ज्यादा फोकस करने लगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस, ठीक है। तो आप इन फिगर को कर लीजिए, उसके बाद अब हम लोग टॉपिक देंगे अवतल लेंस। इसके नीचे आप लेंगे लिखेंगे इसके नीचे और लिखेंगे वह लेंस जिसमें किनारे का भाग मोटा जबकि बीच का भाग
या सतह अपेक्षाकृत पतला होता है, अपेक्षाकृत पतला होता है, कॉमा अवतल लेंस कहा जाता है, कॉमा अवतल लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, अवतल का नेक्स्ट एरो, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जरा बात करते हैं कि अवतल लेंस क्या होता है। प्यारे बच्चों बहुत इजी है, आप इन चीजों को समझ जाए तो। उत्तल में हम लोग क्या पढ़े कि किनारे का भाग पतला और बीच में मोटा होता है, अवतल में क्या पढ़े कि किनारे मोटा होगा और बीच में पतला होगा। इट मीन्स फिगर बनाएंगे वो हम लोग क्लियर करेंगे क्या होता है। चलिए अब अवतल को समझते हैं कि अवतल लेंस क्या है। सबसे पहला बात कि अवतल हम किसको कहेंगे, जब किनारे का भाग मोटा होना चाहिए और बीच का भाग पतला होना चाहिए, तो हम लोग फिगर बनाते हैं अवतल लेंस का। ये देखिए हम लोगों का अवतल मिल गया, ये अवतल लेंस है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि बीच में क्या है, मोटा है, और सॉरी बीच में पतला होना चाहिए इसमें, और किनारे का भाग मोटा है। अगर यू नहीं तो और अच्छा सा फिगर दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, अब तो क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये इसको हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। तो याद रखिएगा उत्तल जो होता है अवतल का उल्टा होता है, उत्तल में किनारे पतला होता है और बीच में मोटा होता है। इसमें क्या होता है कि किनारे का भाग मोटा हो और बीच में पतला हो, उसको हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। ठीक है, तो याद रहना चाहिए आपको कि किनारे का भाग मोटा और बीच में पतला, तब हम उसको क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं अवतल लेंस का भी, कोई भी लेंस हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, कोई भी लेंस हो, उसके सेंटर से जब कोई लाइन पास करता है, सेंटर से यानी कि बीचों बीच जब लाइन पास करता है, जिसका नाम ओ है, और ओ को हम लोग बोलते हैं जैसा कि प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र, देखिए दर्पण में ये चीज हो जाता है ध्रुव, उसको ध्रुव कहते हैं, लेकिन जहां भी लेंस आए तब वहां पे हम लोग प्रकाशिक केंद्र बोलने लगते हैं। हालांकि कोई भी लेंस हो जब उसके सेंटर से पास करता है लाइन, तो उसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अब ये चूंकि प्रकाशिक केंद्र हो गया, अब अवतल लेंस में क्या होता है कि जब आप कोई भी किरणें, यहां पे बहुत सारे किरणें को आप पास कराएंगे, यानी कि इट मीन्स ऐसे हम पास करा रहे हैं जैसे कि वहां पास करा रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग लाइन को अवतल लेंस पे एक प्रकाश को डाल रहे हैं, एक प्रकाश को डाल रहे हैं। ये जैसे ही प्रकाश को डाल रहे हैं तो अवतल लेंस पता है क्या करता है, इसको मोड़ना स्टार्ट करता है ऐसे। टॉर्च के लाइट कैसे, हाँ, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि यहां से ये क्या किया, एक बिंदु पर मिलाता नहीं है, ये उसको फैलाने का काम करता है। यानी कि जो हम लोग प्रकाश की किरणें को यहां पे दिए, तो अवतल लेंस काम क्या किया, उसको फैलाने का काम कर दिया। ठीक है, जैसे मान लिया इतना था हम लोग का प्रकाश किरण, आगे जाकर इतना हो गया, फैल गया। तो अगर प्रकाश किरणों को फैलने की प्रक्रिया, यानी कि वो फैल जाए, अपने स्थान से दूर चली जाए, तब हम उसको बोलते हैं अपसारी, अपसारी। ठीक है, तो आपको जानना चाहिए कि अवतल लेंस को हम लोग अपसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरणों को या फिर कोई भी किरणों को लाइट पार कराया जाता है, तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें फैल जाती है, तदुपरांत इसको अवतल लेंस कहा जाता है या फिर इसको अपसारी कहा जाता है। तो ये देख पा रहे होंगे कि अवतल लेंस क्या करता है, तो उसको किरण को अपसरित करने का काम करता है,
यानी कि किरणों को फैलाने का काम करता है, जबकि अभिसारी क्या काम करता है, एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है। और दूसरी बात, अवतल में याद रखिएगा किनारे का मोटा होता है बीच में पतला, और उत्तल में बीच में मोटा और किनारे में पतला होता है, ठीक है, उल्टा बात है। तो चलिए इस फिगर को अवतल का बना लीजिए, अब नोट में करके इसके नीचे भी लिखेंगे। जब प्रकाश की किरणों को अवतल लेंस से गुजारा जाता है, जब प्रकाश की किरणों को अवतल लेंस से गुजारा जाता है, तब प्रकाश की किरणें फैल जाती है। इस क्रिया को अपसारी कहा जाता है। चलिए तो हम लोग उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस किए, अपसारी का मतलब क्या होता है और अभिसारी का मतलब क्या होता है, इन चीजों के बारे में सीखे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि लेंस के भाग, लेंस के कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों दर्पण में हम लोग सीखे ना, वस्तु होता है, प्रतिबिंब होता है, फोकस होता है, ठीक है, ये सब सारा कहाँ होता है, दर्पण में। आइए अब हम लोग सीखते हैं कि आखिर लेंस के कौन कौन से भाग हैं। जैसे कि दर्पण में हम लोग सीखते थे कि दर्पण का भाग क्या होता है, कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, है ना, या फिर रहता है और वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये सब रहता था हम लोग दर्पण में पढ़े थे। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि लेंस के भाग कौन कौन से हैं। तो टॉपिक बनाएंगे लेंस के भाग, लेंस के भाग के फर्स्ट एरो देखेंगे, लिखेंगे, लिखा जाए फर्स्ट एरो, लेंस चाहे उत्तल हो या अवतल हो, लेंस चाहे, लाइट कट गया तो बोलकर अब समझाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लाइट कटा भी अभी। लेंस के भाग का फर्स्ट एरो में लिखवा रहे हैं, आप लिखिए फिर हम समझा देंगे चीजों को, है ना। तो अभी ऐसे लाइट का काम भी नहीं है, लिखेंगे फर्स्ट एरो में, लेंस चाहे उत्तल हो या अवतल हो, उसके दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। सेकेंड एरो में देंगे, लिखेंगे सेकेंड एरो देकर, लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं जिसे प्रायः C1 तथा C2 से सूचित किया जाता है। C1 C2 से सूचित किया जाता है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाले एक काल्पनिक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। इसे प्रायः ओ से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, लेंस में दो
लेंस में दो फोकस होते हैं, लेंस में दो फोकस होते हैं जिसे जिसे F1 तथा F2 से सूचित किया जाता है, जिसे F1 तथा F2 से सूचित किया जाता है। ठीक है तो प्यारे बच्चों, अभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, अभी जस्ट लाइट कट गया तो अंधेरा में दिखेगा नहीं, अगर बोर्ड पे हम आपको कुछ समझाएंगे तो लेंस का जो भाग है, लेंस का जो भाग अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो हम टोटल पॉइंट जितना हो सकता है इसमें लिखवा दिए हैं। अब अगले वीडियोज में, अगले क्लास में इस चीजों को हम डीपली आपको समझा देंगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे अगर हम कुछ लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, नहीं देगा बिल्कुल, क्योंकि अभी इतना बड़ा इसीलिए C1 C2 लिखना पड़ा है। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रहने दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।